स्वागत है आपका ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में। दोस्तों आपको बता दूं, अगर आप सच्ची खबरें पाना चाहते हैं दोस्तों, आंगनबाड़ी की हो या अन्य कोई खबरें, तो दोस्तों यहां से चैनल को अपने सब्सक्राइब कर लें और अपनी नोटिफिकेशन बेल भी दोस्तों ऑन कर लें ताकि आपको हर अपडेट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल की सच्ची खबरों में। दोस्तों 27 जुलाई की शाम की ये खबरें देखने जा रहे हैं, सुबह वीडियो नहीं आ पाया उसके लिए माफी चाहता हूं। यहां पे जो शाम की खबरें हैं वो बहुत ही बढ़िया, आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर कर देना, साथ ही साथ शेयर जरूर कर देना। यहां पे आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को नहीं खरीदनी है वजन मशीन, क्योंकि इन चीज़ों को लेकर के बहुत सी चीज़ें मीडिया में और सोशल मीडिया में चल रही हैं। आप लोग जानते हैं, बहनों से सुपरवाइजर के जरिए ज़बरदस्ती काफ़ी जगह जो है वजन की मशीनें पैसे देकर के खरीदवाई जा रही हैं, जो कि सही नहीं है और गलत है और इसका विरोध भी किया गया। आइए उसकी सच्चाई आपको दिखाते हैं। साथ ही और भी खबरें हैं वो भी देखना मत भूलना। कुछ हम प्रमोशन से जुड़ी हुई जो खबरें हैं आप उत्तर प्रदेश की, उसके बारे में भी कुछ चर्चा करने वाले हैं। तो यहाँ पे ये वीडियो बहुत ही बढ़िया हो जाता है आप लोगों के लिए, तो देखते रहिए। और यहाँ पे ये देख लीजिए, आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को नहीं खरीदनी है वजन मशीन। यहाँ पे आंगनबाड़ी उत्तर प्रदेश की तरफ से, हमारे जैसे सुनील भाई वगैरह का ग्रुप चलता है, वहां पर भी ये चीजें दिखाई गई हैं। गोरखपुर वगैरह से खबर है, गोरखपुर में ये चीजें देखने को मिली है कि आंगनबाड़ी जो कर्मचारी एवं सहायिका एसोसिएशन की जो अध्यक्ष हैं आपकी गीतांजलि मौर्य, उनके नेतृत्व में शुक्रवार को संगठन की जिला कमेटी ने CDO व DPO जो आपके DPRO वगैरह हैं उनसे मुलाकात उन्होंने किया है, ऐसा बताया जा रहा है इस खबर के माध्यम से। और उन्होंने कहा है कि क्षेत्रीय जो मुख्य सेविका हैं उनके द्वारा, यानी कि सुपरवाइजरों के द्वारा, जो आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां हैं उन पर जबरन दबाव बनाया जा रहा है, यानी कि जबरदस्ती उन पर मशीनों का ये बोझ एक तरह से डाला जा रहा है कि 1300 रुपये जमा करो, ये 1300 रुपये जमा करके CDPO से वजन मशीन खरीदी जाए। इस चीज को लेकर के जबरदस्ती हमारी आंगनबाड़ी बहनों को जो है उनके साथ शोषण एक तरह का किया जा रहा है, जिसका विरोध किया गया है। और समस्या को सुनते ही जो है CDO ने कहा है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को पैसे देकर मशीन क्रय नहीं करना है। ये चीज को CDO ने आप लोगों के कह भी दिया है, ये मशीन नहीं खरीदनी है। तो अगर आप गोरखपुर से बहने हो, अगर आप लोगों पर ऐसे जबरदस्ती काम लादे जा रहे हैं, तो आप लोग इसका विरोध करना बिल्कुल भी मत लेना। और अगर अन्य भी जिलों में हो, अगर अन्य चीजों को लेकर के आप पर दबाव बन रहा है, तो अभी आप लोगों के लिए चाहे यूनियन की तरफ से हो या हमारी तरफ से, ऑल इंडिया की तरफ से जो बातें कही जा रही हैं 100% सही हैं। और इन चीज़ों को ध्यान देना, ऐसे काम नहीं करने हैं। फिर इसके लिए भले ही एक यूनियन नहीं, सारे यूनियन आपके साथ में होंगे और जो गलत है वो गलत ही कहा जाएगा। और बताया जा रहा है इसके लिए जो है DPRO को आदेश दिया जा चुका है, जनपद के जितने भी, यानी कि जिला जो आपका गोरखपुर है, वहाँ के सभी जो जितने भी विकास खंड बाल विकास परियोजना अधिकारी हैं, उनसे मिलकर जिन ग्राम पंचायतों के आंगनबाड़ी केंद्रों पर यह मशीन नहीं है, सुन लेना बात को मेरे ध्यान से, जहाँ पर मशीन नहीं है आपके गोरखपुर में, जितनी भी जो जनपद के विकास खंड की जो बाल परियोजनाएं हैं बाल विकास की वहाँ पर, तो उनको ग्राम पंचायत में जो है आपके वहाँ की ग्राम पंचायत में जो उपलब्ध हैं अनटाइड फंड की जो धनराशि है, उससे खरीद कर ग्राम पंचायत जो सचिव हैं आंगनबाड़ी केंद्रों पर ये मशीन वगैरह उपलब्ध कराएंगे। तो आप लोगों को अपने पैसे 1300 डाल करके इन चीज़ों को नहीं लेना है, क्योंकि सुपरवाइजर वगैरह कुछ नहीं, उनको पता है, मान लीजिए वो अपने, आप अगर कह देती हैं पैसे अपने से डाल के खरीद लीजिए, भाई हम लोग क्यों खरीदें, सरकार अपने विभाग अपना काम करवाना चाहती है, तो इसके लिए वो पैसा और ये राशि आज हमेशा से आती रही है, मशीनें आती रही, तो हम आज आप क्यों खरीदें। तो उन लोगों के चक्कर में ना पड़ो। और वो लोग अगर कह देंगे कि आप लोग ये काम करो, तो क्या आप लोग ये काम करना स्टार्ट कर दोगे। दूसरी बात, अगर आपको शौक ही है तो फिर आपकी मर्जी है, अपना घर जो भी है बेच डालिए और इस परियोजना जो आप इसमें लगी हुई आंगनबाड़ी में, और अपना सब कुछ लुटा दीजिए इसी पर, और चाहे खेत बेचिए चाहे घर बेचिए। तो इन चीज़ों को समझिए, ऐसा काम मत करना। आप लोगों को रोका जा रहा है कि ये गलत तरीके से जो 1300 रुपये के नाम पर ऐसी चीज़ें देखने को मिली हैं, जो मीडिया में बातें आ रही हैं, अगर आपके साथ में ये सब कुछ हो रहा है तो इसका विरोध करिए। और ये चीज़ें जो भी होगा, जो आपके जो ऊपर के जो सुपरवाइजर के ऊपर के जो अधिकारी हैं उनसे भी बात हो जाएगी, आराम से हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर लिखा हुआ है जिसका जो भुगतान है संबंधित विकास खंड के जो ADO हैं आपके जो पंचायत वगैरह, वो लोग इसका भुगतान करेंगे पैसे का, आपकी जेब से पैसा नहीं जाना चाहिए। उक्त अवसर पर जो है पुष्पा शुक्ला, मालती और हिम और आपका हेवंती व सपना उपस्थित वगैरह, ये लोग वहाँ पे रही हैं बहने। तो ये भी एक बढ़िया सी आवाज़ थी यूनियन के द्वारा, गीतांजलि मौर्या के द्वारा। और यहाँ पे दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे और भी देख लीजिए, हमारी बहन है उनके वहाँ से चीज़ें भेजी गई, मंजू गुप्ता जी हैं, तो उनके वहाँ पे ये महुआ वगैरह ब्लॉक वगैरह जो भी उनका पड़ता है, आदर्श वगैरह केंद्र बन चुका है उनके वहाँ का, तो वहाँ पर ये घी के जो पैकेट हैं वितरण वगैरह, काफ़ी चीज़ें हैं
जिनके बारे में आप लोगों को मैं दिखाना चाहता हूँ। ये आदर्श प्राथमिक विद्यालय आप देख रहे हैं और यहाँ पे दिखाना चाहूँगा, ये देख लीजिए घी के जो पैकेट हैं उनका वितरण वहाँ पे बहनों के द्वारा किया जा रहा है और भी कुछ चीज़ें हैं वहीं से। और ये आदर्श प्राथमिक विद्यालय महुआ वगैरह आपका विकास क्षेत्र जो है जोगिया जनपद सिद्धार्थनगर, जो बहनें सिद्धार्थनगर से उनके वहाँ की ये चीज़ें हैं और काफ़ी अच्छा उनके वहाँ का केंद्र भी बना हुआ है और काफ़ी वहाँ पर भीड़ भी होती है, ये भी आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देख लीजिए वहाँ पर बच्चे भी हैं और निरीक्षण वगैरह भी बताया जा रहा था किया गया उनके वहाँ पर और ये काफ़ी बच्चे संख्या में बैठे भी हुए हैं। तो इन चीज़ों को देखिए और केंद्रों पर जो बच्चों की जो समस्याएं हैं वो हो गई हैं, वो दरअसल आम हो गई हैं। इन चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा, थोड़ा बहुत लालच बच्चों को देना होगा, जैसे कि टॉफ़ी बिस्कुट सरकार नहीं कर रही है वो हम जानते हैं, लेकिन अपनी भी नौकरी बचानी है और दूसरे चीज़ों का इस और कई जगह से तो बहनों ने एक मुझे सजेशन दिया, जैसे कि वहाँ पर सुपरवाइजर के जरिए हमें हाँ मतलब उनकी मिलती रहती है और वो बहनें कहती हैं अपने जैसे, और दोनों चीज़ों की राय मेरे ख्याल से सही भी है। पोषाहार अगर बच्चे उनके लायक नहीं है, नहीं खाते हैं, तो उन्हीं पैसों से थोड़ा बहुत उन लोग बच्चों को टॉफ़ी बिस्कुट वगैरह भी दिए जा सकते हैं, जिसके कारण बच्चों में थोड़ा बहुत लालच भी आएगा और वो छोटे हैं और वो केंद्र पर भी इसी बहाने जो है आना स्टार्ट करेंगे। तो जैसी जैसी समस्याएं हैं उनका निपटारा अपने वहाँ से पूछ लीजिए, उसी हिसाब से आपको करना चाहिए। खैर ये तो गलत है और यहाँ पर एक बात कहना चाहूँगा, प्रमोशन को के बारे में आप लोगों से मैंने कहा था वीडियो के स्टार्टिंग में बात जरूर करूँगा। तो यहाँ पर हमारे भाई जो हैं जिन्होंने आप लोगों को अभी कुछ समय पहले मैंने वीडियो दिया था जिसमें उन्होंने कई बार लेटर वगैरह डाले थे प्रमोशन के लिए, तो आइए आप उनकी बातों को मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। उनका कहना है यहाँ एक बात यह समझ में नहीं आ रही है कि आंगनबाड़ी वर्कर्स के जो मुख्य सेविका पद पर प्रमोशन हेतु जब लगभग 500 पद ही रिक्त हैं, तो ऊपर से 500 से ज़्यादा यानी कि उनका कहना है 1000 अभ्यर्थियों की वरिष्ठता जो सूची है उसके अनुसार उनके जो शैक्षणिक अभिलेखों का परीक्षण सरकार वगैरह करा लेते और तो समय में प्रमोशन की जो प्रक्रिया वो भी पूर्ण की जा सकती थी, परंतु सरकार द्वारा शायद प्रमोशन समय से ना करने और मामले को लंबा खींचने का बहाना बनाया जा रहा है। जो 30 से 35 साल से जो सेवारत हैं हमारी बहनें, तो यहाँ पे लिखा हुआ है उनके मौलिक अधिकारों का हनन भी किया जा रहा है, जिसके लिए माननीय मुख्यमंत्री योगी जी को इस विभाग में जो है नकारा अफसर नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। ये चीज़ों को समझना होगा क्योंकि 2 साल पहले शैक्षणिक अभिलेख जमा कराए गए, 2 साल से कुछ हो भी नहीं रहा है और इन चीज़ों को और लंबा खींचा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारी बहनों का इसमें नुकसान भी हो रहा है, उनकी एज निकल रही है, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो देखने को आपको मिले। और भी उनका क्या कहना है, जैसे आंगनबाड़ी बहनों के सुपरवाइजर पद पर कोटा के अंदर जो है प्रमोशन हेतु मैंने निदेशक, प्रमुख सचिव, मुख्य सचिव, बाल विकास मंत्री और मुख्यमंत्री, राज्यपाल, केंद्रीय महिला विकास मंत्री सहित जो है प्रधानमंत्री को भी उन्होंने कई बार वगैरह पत्र भी भेजे हैं, जिन्हें निदेशालय के खामोशी के बस्ते में बांध दिया गया, मतलब कहने का उसका कोई ना तो जवाब देते हैं निदेशालय की तरफ से ना ही सरकारों की तरफ से। तो इन चीज़ों को समझिए, ये सब क्या दर्शाने का जो है एक तरह का प्रयास है, ये यही है कि वो लोग उनका मन नहीं है, रुचि नहीं है प्रमोशन करने में या इन योजनाओं को परियोजनाओं को आगे बढ़ाने में अच्छे तरीके से, तो इनको समझना चाहिए। उनका कहना जिन्हें निदेशालय के खामोशी के बस्ते में बांध दिया गया, जो बाल विकास विभाग की धुरी, जिनके सरकारी कार्यों के अस्तित्व का पूरा विभाग मंत्रालय ही निर्भर है, उन्हीं के अधिकारों का निर्मम हनन वगैरह किया जा रहा है, क्योंकि आप जानते हैं आंगनबाड़ी कितना कार्य करती है, इन्हीं के सहारे इतनी बड़ी बड़ी योजनाएं, पल्स पोलियो जैसे अभियान देश से ये चीज़ें मिटाई गई, तो इन चीज़ों को समझती नहीं है सरकारें और इनको छोटा समझ रही हैं और एक साइड में डाल दिया जाए। विडंबना है कि विभागीय जो चपरासी से लेकर मंत्री तक सरकारी वेतन उनको मिल रहा है, लेकिन जो विभाग का मूल कार्य करती हैं और विभाग की जड़ का कार्य करती हैं, उन आंगनबाड़ी बहनों को बंधुआ मजदूरी से बदतर जीवन यापन करने के लिए अल्प मानदेय से संतोष करना पड़ रहा है। यह है देश की तरक्की और यह है देश का विकास, बिल्कुल हकीकत की बातें उन्होंने हमारे भाई ने लिखी है। उन चीज़ों को मैंने आप लोगों को पहले भी दिखाया था, तो ये मेरे ख्याल से जो भी भाई ने कहा एक एक बात उनकी सही है, क्योंकि अगर वो चाहते प्रमोशन करना तो समय पर आर्डर दिए जाते और समय पर हर काम किया जाता, लेकिन ऐसा कुछ देखने को भी नहीं मिला। लेकिन भाई की तरफ से काफ़ी सारे लेटर भी स्पीड पोस्ट किए गए, जैसा कि श्रीमान निदेशक महोदय को भी उन्होंने लिखा था, पिछला लेटर मैंने आप लोगों को दिखाया था, जो 1110 बताया जा रहा था कि जो बहनें हैं उनके शैक्षणिक अभिलेख हैं और उनका जो है परीक्षण वगैरह करना था जो शेष रह गए थे। तो ये सब कुछ क्या चल रहा है, अगर कराना है तो जल्द से जल्द करा लीजिए और जो ये मौका जो जा रहा है हमारी बहनों का वो उनको
मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो यहाँ पे ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मेरी तरफ से जो दिया गया, और उम्मीद करता हूँ आने वाले जो भी वीडियो होंगे उनको आप देखेंगे। अगर चैनल पर आप पहली बार हमारा वीडियो देख रहे थे तो दोस्तों वीडियो को सब्सक्राइब यानी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो, क्योंकि आंगनबाड़ी और विकास जो बाल विकास परियोजना इससे जुड़ी जो भी जानकारी होती है जो ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज़ चैनल पर मेरे द्वारा दी जाती है वो एक एक जो खबर होती है वो सत्य होती है और आप लोगों की भलाई के लिए और जागरूकता के लिए ही आवाज़ लगाई जाती है। मेरा मेन मकसद ही यही है कि जिस दिन से आंगनबाड़ी बहनें जागरूक हो जाएंगी उस दिन से शोषण भी मिट जाएगा और वो अपने अधिकारों को पहचानेंगी, अपने हक के लिए मैदान में भी आएंगी और सरकार इनके साथ में गलत भी नहीं कर पाएगी। तो मेन मकसद यही रहता है, बाकी अन्य यूट्यूबरों की तरह आपको कोई फर्जी खबरें अपने चैनल के माध्यम से नहीं दी जाती। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। धन्यवाद दोस्तों।